गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड अरे बाहर तो शोर हो रहा है यार, प्लेन वगैरह जा रहा है ऊपर से। भाई ये बालकनी व्यू है जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। एंड सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मोहम्मद फैजान सैफी दिस साइड। अगर मेरे को जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, मेरे को जान जाओगे। एंड फिलहाल हम आए हैं भाई यूएसए के अंदर, जैसे कि मेरी वाली ट्रैवल सीरीज चल रही है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, इन्जॉयमेंट चल रही है। कल बहुत ज़्यादा लेट में घर आया भाई, 11 बजे मैं घर पर आया था, बिकॉज मैं थक गया भाई, घूमते घामते पता ही नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया मैं। आज का हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम लोग जाने वाले फिर से 26 से अकेले जाने वाला हूँ। कल मैंने अपना मेट्रो कार्ड वगैरह बनवा लिया था, तो फॉर अ वीकली पास जिसे हम कहते हैं, बिकॉज दैट सेव्स मनी। एंड इंडियन पीपल टेंड टू सेव, मतलब इंडियन पीपल नहीं, हर कोई पैसा सेव करना चाहता है, बेटर डील। तो मैंने वो ले लिया था एक वीकली पास, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा रोजवेल्ट एवेन्यू, वहाँ से फिर मैं जाऊँगा 50th Street। 50th Street पे आज हम जाने वाले हैं भाई म्यूज़ियम, जो कल हमको बंद मिला था ना, आज हम वहीं सेम म्यूज़ियम जाने वाले हैं। तो उस म्यूज़ियम के बाद हम जाएंगे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी। ओके गाइस, गुड टू लीव। एंड अब हम चल रहे हैं फटाफट से, नाश्ता करेंगे। मैं रोज रोज तला लगाना भूल जाता हूँ यार। चलो आज गाड़ी काम पे चली गई है, बिकॉज 10 बज चुके हैं, तो मे बैक इज नॉट है, ओनली CRV खड़ी हुई है। वी आर रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड, ट्रैवल द वर्ल्ड। सो आज निकल चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। भाई जैसे हमारे यहाँ पे लाइंस होती है ना, येलो लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, मजेंटा लाइन, यहाँ पे ऐसे नहीं। यहाँ पे ट्रेन के नाम होते हैं EFMRABC, लाइक दिस। यार आज फिर से एक दिक्कत हो गई, कल रात मैं रिकॉर्ड नहीं करता, ब्लॉग एंड कर दिया था, तब भी मैं गलत ट्रेन में बैठ गया था और अपोजिट डायरेक्शन में चला गया था। अब आज क्या हुआ है भाई, यहाँ पे ना जैसे दिल्ली में क्या होता है, अपने जो मेट्रो है अगर येलो लाइन है तो उस पर उस प्लेटफॉर्म पर येलो लाइन की ट्रेन ही आएगी, मैजेंटा लाइन नहीं आ सकती। यहाँ पे भाई एक ही प्लेटफॉर्म पर 3-4 ट्रेनें आ जाती हैं। तो मैं उसके हिसाब से मैंने देखा भाई कि मेरे को ई में जाना था, मैं ई की तरफ आया, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। अब वहाँ पर एफ़ की ट्रेन आ गई, मैंने एफ़ देखा ही नहीं, मैंने सोचा ई का प्लेटफॉर्म है, ई की तो आएगी, मैं बैठ गया। अब मैं आ गया हूँ भाई गलत स्टेशन पर, आगे एक स्टेशन आगे आ गया हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि अभी स्टेशन पे ई वाली नहीं आती है, तो मेरे को चेंज करके दोबारा ई वाले पे जाना पड़ेगा और वहाँ से देख के ई लेना पड़ेगा। तो एक तो हम उससे बहुत ज़्यादा पुराना है ना भाई, तो वो भी चीज़ है, मेट्रो में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है भाई। खैर कोई बात नहीं, खो गए हम कहाँ। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं 50th Street। एंड भाई हल्की हल्की बारिश हो रही है यार, तो अम्ब्रेला नहीं है मेरे पास, बस ज़ोर से ना हो यार प्लीज़, क्योंकि फिर मेरा ना आज का इवेंट थोड़ा बेकार हो सकता है। और जैसी मैंने बोला ज़ोर से नहीं होनी चाहिए, हल्की हल्की और तेज़ हो गई है, नॉट लाइकिंग इट। बैक टू द प्लेस जहाँ हम कल आए थे। एंड यार ये देखो लाइन कितनी बढ़िया है यार, ये साइड में देखो, यहाँ पे आप आराम से एक लेन आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्केटिंग कर सकते हो, रोलर स्केट्स कर सकते हो। एंड बगल में पूरा मेन रोड भी चल रहा है, यहाँ पे जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो, तो एकदम बढ़िया, एकदम वेल प्लान्ड, वेल मेंटेन्ड, डेवलप भी तो है ना यार। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, डेवलप कंट्री है तो ये सब तो मिलने वाला ही है। उम्मीद करते हैं इंडिया में भी ये सब ऐसा जल्दी आएगा। बिलीव ही नहीं हो रहा है कि अभी ना, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ यार यहाँ पे। मतलब मैं अभी ना रील्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था अपनी, तो क्योंकि मैं सोलो आया था ना, तो मेरे को पूरा सेट वगैरह करना पड़ता है, कहीं देखना इधर पड़ता है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। एकदम से एक नोटिफिकेशन आती है कि रिप्लाई टू योर मैसेज, यार ये थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, बड़ा नाम लग रहा है। एंड दैट वॉज करण सहगल, मैंने भाई ये क्या यार, लाइक सीरियसली। तो मतलब बेसिकली मैंने उनको कुछ मैसेज करा था किसी चीज़ के रिगार्डिंग, सो भाई उनका रिप्लाई आ गया, भाई मेरा तो दिन बन गया यार, इतना ज़्यादा खुशी हो रही है भाई कि मेरी, मतलब बेसिकली ना वो भी ट्रैवल ब्लॉगर, यहाँ के लोगों को नहीं पता है, तो जो जानते हो तो जानते ही होंगे ज़्यादातर लोग, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूँ कि इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ओके गाइज, वी हैव रीच्ड द म्यूज़ियम।
अब देखते हैं भाई यहाँ पे एंट्री कैसे है, क्या सीन है, लेट्स सी। ओके गाइस, टिकट इज इन आवर हैंड्स, थैंक्स गाइस। सबमरीन के लिए तो लाइन है, सो वी आर गोइंग इनटू द शिप फर्स्ट। Oh, lovely. Feels nice, man. अच्छी वाइब है अंदर। गाइज ये है शिप और इसके ऊपर कितने सारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, एंड जो ये प्रॉपर मॉडल बना हुआ है इसके जो पीछे है वो उसकी रियल फोटो भी है। सो दिस इज ऑल रियल, मजाक नहीं है भाई, समझ रहे हो ना, मजाक नहीं है, रियल है, रियल। जैसे मैंने बताया ये ओल्ड एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उसके बारे में म्यूजियम है, ये देखो। एंड भाई ये बेसिकली एयरक्राफ्ट जिसमें अभी हम चल रहे हैं, जिसमें अभी मैं भी हूँ एग्जैक्टली, ये बेसिकली यही शिप थी जो पहले चलती थी। तो जैसे देखो इसका प्रॉपर इंजन वगैरह भी है ये भाई, जिसको उन्होंने अब थोड़ा सा मेंटेन करा हुआ है, पेंट वगैरह करा हुआ है। भाई जो इंटरप्रेट है ये बेसिकली ये रहा, देखो कितने सारे एयरक्राफ्ट हैं भाई इसके ऊपर। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू में यूज हुआ था, जैसे लिखा हुआ भी है, तो आप पढ़ भी सकते हो थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं आगे फूम थोड़ा जूम करूँगा। यहाँ पे आपको पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लेना, जब तक हम आगे पढ़ते हैं। ओके सो दिस इज इंटरप्रेट इन द कोल्ड वॉर। ये भाई बेसिकली लाइटनिंग के लिए यूज़ होता है भाई। ये इसकी है पंखुड़ी जो होती है ना, जैसे टाइटैनिक में भी आपने देखा होगा, जो जब प्राइम्स डूब रहा होता है वो ऊपर जाती है, पीछे की साइड होती है जो शिप के, ये वो है भाई साहब। इतनी बड़ी है भाई, वाइड एंगल में भी कैप्चर नहीं हो पा रही यार। दिस इज द जर्सी द कैप्टन एंड द नेवी पीपल वेयर, एंड ये एक एयरक्राफ्ट, ज़बरदस्त लग रहा है भाई। भाई जिसको गन्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है ना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अभी मेरे पास, मतलब मेरे पास दिखाने के लिए, मेरे पास जेब में नहीं है। तो भाई भाई ये आपको ने फिल्म्स में देखा होगा, जैसे हेलीकॉप्टर से फायर होता है ना, हेलीकॉप्टर से नीचे मशीन आती है, गन मशीन निकलती है, फायर होता है, एयरप्लेन्स के नीचे होता है, वैसे ही उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू में यूज़ हुआ था। तो भाई ख़तरनाक है भाई, ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में ऐसी कोई चीज़ जो कि अमेरिकन प्लेन्स ने यूज़ करी गई थी। तो अमेरिकन आर जस्ट टू क्रेजी मैन। और ये जो एयरक्राफ्ट दिखा रहा था साइड से, ये एक और एयरक्राफ्ट है, तो मतलब ये बेसिकली काफ़ी सालों तक ये यूज़ करा गया है भाई। भाई यहाँ तो गजब ही गजब एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं यार, एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया चीज़ आती जा रही है। अब की बार ये देखना, ये ज़बरदस्त डगलास एयर फोर्स का हॉक है, करेक्ट प्रोनंसिएशन भाई सॉरी अगर नहीं बता पा रहा हूँ तो, बट स्पेलिंग बता दूंगा एक बार। ये देखो ये है, एंड इसके बाद ये देखो नेवी HU-2, खतरनाक ही है भाई, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर भाई। इसके ऊपर पंखड़े इन्होंने बांध रखी हैं अभी, ये जो है ना येलो येलो से बांध रखी सारी पंखड़े इन्होंने, तो भाई कुछ खतरनाक ही है ये भी। इसी टाइप का भाई उन्होंने शायद, मतलब इस टाइप का तो नहीं ऑब्वियसली, इससे इधर काफ़ी पुराना है, जो अभी इन्होंने ओसामा के अटैक में यूज़ करा था ना, उसकी शेप भी समवॉट लाइक दिस ही थी। तो बेसिकली इससे तो बहुत बेटर होगा कि अब वो अब के टाइम का था और वो ये बहुत पुराने टाइम का है। और ये देखो ये शायद नीचे मिसाइल है इसके, अरे इन्होंने छिपकली बना रखी है, या इसको क्रिकेट बोलोगे आप, रंग बदलने वाला कैमोफ्लाज। एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते हैं ना स्पेस में, तो जब वो वापस आते हैं तो जैसे जीरो में देखा होगा आपने, मैं क्लिप ऐड कर दूंगा शाहरुख खान की हल्की सी, तो शाहरुख खान जिसमें नीचे नहीं आ रहा हो तो जो पानी में ढप से लैंड करता है, ये वो चीज़ है भाई। बढ़ चुकी तो और हमारे गालों के डिंपल अभी तक 15 साल जवान थे। कोई मिल गया मैं नहीं होता ऐसे आ, 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 आ। भी
ऑल्सो हैव द हेलीकॉप्टर जिसे बच्चों ने हाईजैक कर लिया है भाई। गाइस ये होने वाला है भाई कुछ ज़बरदस्त मोशन कंट्रोल्स, कंट्रोल योर एयरक्राफ्ट जी फोर्स एनकाउंटर, मज़ा आने वाला है। तो ये तो अपन करेंगे गाइस, ये देखो ये जाएगा अभी ऊपर एंड वी नीड टू कंट्रोल इट। ये लोग भी बैठ रहे हैं अपने साथ भाई। फिर से एक दिक्कत हो गई है कि ये दिस इज़ फॉर टू पीपल ओनली एंड सो आई कांट गो अलोन एंड यहाँ पे कोई और भी सिंगल नहीं है। सो यप बैड लक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा है बड़े बड़े कैमरेज। ये तो छोटा है भाई, शिप वाली जगह है भाई। अच्छा इधर से बंद है, ऊपर जाना है। लेट्स सी वेयर कैन वी गो। भाई बड़ी पतली पतली सीढ़ियां हैं भाई, मतलब ऑब्वियसली मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ। अरे पहले के ताले देखो भाई कितनी ऊपर जाना है भाई। ओके नाइस। अच्छा इसमें ना अभी मैं बताना भूल गया, 2018 के बाद से इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेनोवेशन का काम चल रहा है रेगुलर बेसिस पे, 18 से चल रहा है। सो क्योंकि पुरानी बहुत है ना भाई। भाई कौन सा एरिया आ गया, इंजन विंजन है पूरा। लाल फोन बाबू भैया वाला, भाई दिस इज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डेटा ऐसे स्टोर होता था, ऐसे दिया जाता था। और हम आ गए भाई थर्ड डेक पे। ओके वाओ ब्यूटीफुल मैन। That's like a happy shoe.